राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आई होप सारे अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी आज फिर हम आपको ले जाएंगे कहीं घूमने। रोज रोज घुमाते रहेंगे कहीं ना कहीं हमारे गांव में आपको। और मेरे हस्बैंड अभी चाय पी रहे हैं। इनकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई है। बाहर से आए हैं घूम कर, लेकिन अचानक ही खराब हो गई है। चाय बना के दी है। कैसे अब सर फाटरी है, तबीयत डाउन हो रही है। सर्दी है नहीं? सर्दी है हाँ। अचानक सर्दी लगने लगी तो इनकी तबीयत खराब हो गई है। तो मैं, मोनू और कुकू तीन ही जाएंगे। रुद्रकुन गए हुए हैं बाहर होमवर्क करने दोस्त के घर, तो हम तीनों ही जाएंगे अभी। और सोचा आपको भी दिखा देते हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। तो मिलते हैं थोड़ी ही देर में। ओके तो फ्रेंड्स, हो गई हूँ मैं अब तैयार जाने के लिए। और आपको भी अभी ले जाऊंगी। हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे आपको भी दिखाऊंगी। और ये देखो कुकु तैयार हो गई क्या। कुकु तैयार ही है। कुकु तैयार है और मोनू भी तैयार है। तैयार है, यस तैयार मोनू भी एकदम तैयार तैयार है। है। हम दोनों तैयार है, अभी निकलेंगे घूमने थोड़ी देर निकलते में हैं। घूमने। निकले, ओके ये मस्ती कर रही है, इसको मजा आ रहा है, बाहर जा रहे हैं इसलिए। ओके okay. राम राम थारो मन, शुभ नाम। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। मैं अच्छा इस मंदिर का मुख्य ट्रस्टी हूँ। अच्छा ये इस मंदिर को मेरे बड़े भाई ईश्वर प्रसाद सरावगी ने 1960 में लगभग इसको निर्माण शुरू किया था। यानी मैं 63 साल का लगभग हो गया हूं। तो मेरे जो मैं 3-4 वर्ष का ही था उस समय जब मंदिर बना था। अच्छा और इस मंदिर को मनाने में ना, मतलब हमारे बड़े भाई तो मेरे ताऊ जी थे, पितर जी रामविलास जी, उनके मतलब मरने के बाद उनके आग्रह पर ईश्वर प्रसाद जी ने इस मंदिर को बनवाया था। कितने साल हो गए होंगे लगभग इस मंदिर को, कितने साल हो गए होंगे। 60 के बाद में कितना, 40-60 वर्ष हो गए। 61 साल हो गया। 61 साल हो गए मंदिर को बने हुए। 60 साल पुराना मंदिर है। 60 साल पुराना मंदिर तारानगर में। 60 साल पुराना, 60 साल पुराना मंदिर है। इंद्र हनुमान जी है ना, ये पंचमुखी बालाजी, इनका साक्षात वास है। अगर इनको अगर श्रद्धा से पूछते हैं ना तो बिल्कुल सालासर वाली कहानी है ये। ये देखिए पंचमुख हनुमान जी। यहाँ पर एक व्यक्ति ने बाबा से मनोती मांगी थी, उसकी ऐसी दुर्दशा थी, वो हाथ किया तो एक दिन में ठीक हो सोल हो गई थी। ये पंचमुखी का अगर श्रद्धा से अगर कोई आह्वान करता है ना, उनके काम पूरे सरे जाते हैं। अच्छा और ये चमत्कारी प्रतिभा है सारी, चमत्कारी। हाँ चमत्कारी बालाजी है। और वैसे पर चमत्कार दिखाने वाले नहीं है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ना को बोला, बादशाह ने जेल में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने चमत्कार नहीं दिखाया। लेकिन बाद में जो उनको दुख दिया था बांदरों ने, उसको चमत्कार दिखा करके राजा जी तुलसीदास जी को छुटाया था। उसी प्रकार से ये हनुमान जी है ना, तो किसी को वैसे चमत्कार नहीं दिखाते। अच्छा। अपनी श्रद्धा से जो मानता है ना उनको मिलते हैं केवल। और ये राम सीता की प्रतिमा बिल्कुल सजीव है। इनमें ऐसा अगर आप अपने आत्मा से करेंगे तो आपको इसका दिव्य दर्शन होगा। सही है। और यहाँ मंदिर के पुजारी है, ये भी अपनी पूरी लगन से मंदिर की पूजा करते हैं। आप हो पुजारी? हाँ जी। अच्छा। विद्याधर जी पुजारी है ये है। हाँ। यहाँ के पुजारी जी विद्याधर जी। हाँ। राम राम ताऊ जी। मतलब साखोलिया ब्राह्मण है। अच्छा तो दोस्तों ये है सीताराम जी का मंदिर, लगभग 60 साल पुराना है तारानगर में। और ये प्रतिमा आप देख सकते हैं कितनी तेज है इनकी। और ये जो बता रहे हैं वो है ये पंचमुखी बालाजी, जो अभी इन्होंने आपको बताया है पूरा। बहुत ही अच्छा है मंदिर और प्रतिमा कितनी प्यारी प्यारी है। इधर राधा कृष्ण जी है। और इसी मंदिर में एक साथ में एक ये शिव जी का मंदिर है। शिव परिवार पूरा है यहाँ, शिवलिंग भी है। और ये है माता जी की। एक ही मंदिर में आपको इतनी प्रतिमा मिलेगी। एक बालाजी का और है यहाँ पे मंदिर।
तो आप देख सकते हो तारानगर गांव में इतना अच्छा, इतना भव्य, इतना पुराना मंदिर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। एक ही मंदिर में आपको इतनी सारी प्रतिमा, इतने सारे देवी देवता के दर्शन होंगे। पुराना और बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो हमने सोचा आपको भी हम ये दिखाएं। ये देखिए मंदिर ऊपर से कितना सुंदर, कितनी अच्छी कलाकारी है, चित्रकारी। ऊपर से एक एक यहाँ के मंदिर के पोल बहुत सुंदर। 101 फण का लाल, 101 फण है। हाँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये शेष यज्ञ पर भगवान शेष यज्ञ के नीचे। अच्छा, 101 फणों का शेष नाग है। अच्छा, यहाँ से ऊपर पूरा मंदिर ऐसे दिखता है। मैं दिखा, ये देखो आपको इधर से दिखाती हूँ, परिक्रमा करते हैं। ये देखिए, ये ऐसी चित्रकारी है। चलो तो चलते हैं अब। तो दोस्तों मंदिर जाके अब हम आ गए हैं अपने घर वापस, और मंदिर के आपको भी दर्शन करा दिए, हमने भी दर्शन कर लिया, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपको ये मंदिर कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। मंदिर की क्या स्टोरी है, कितना साल पुराना है, ये आपको हमने वहां पे बता दिया था। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में।